तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नौ तामीरशुदा सेक्रेटरीट का इफ्तिताह अंजाम दिया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नवी सेक्रेटरीट का कुल रकबा 28 एकड़ पर मुश्तमिल है। नौ तश्कील शुदा रियासत तेलंगाना ने एक अजीमशान और तवील सेक्रेटरीट तामीर करने का एजाज हासिल किया है। सीएम केसीआर ने आज रियासती गुजरावर अराकीन असेंबली के साथ सेक्रेटरीट का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद हजार छठी मंजिल पर अपने चेंबर में दाखिल होकर चंद फाइलों पर दस्तखत किए और इंतजामी उमूर का आगाज किया। मुख्तलिफ महकमों के वज़रा और अहदेदारों ने भी अपने चेंबर्स में दाखिल होकर फाइल्स पर दस्तखत किए हैं। सीएमओ सेक्रेटरीट के अमले के अलावा रियासती सतह के कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन, तमाम महकमों के एचओडीज, अजला के कलेक्टर्स, एसपी, एसपी, डीसी, सीडीज और डीसीएम्स के अलावा मेयर्स व दीगर ने सेक्रेटरीट के इफ्तिताह के मौके पर शिरकत की। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर चलने के अज़्म का इजहार किया है। केसीआर ने नौ तामीरशुदा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट के इफ्तिताह के बाद एक इजलास को मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत एक बड़ी जद्दोजहद के बाद तश्कील दी गई थी और रियासत की तरक्की सबकी कोशिशों और तमाम महकमों के ताउन की वजह से ही मुमकिन हो पाई है। दस्तूर साज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वो एक अजीम इंसान थे जिन्होंने मसावी हकूक, आगे बढ़ने और मुतहद होने का पैगाम दिया था। केसीआर ने अम्बेडकर के नक्श कदम पर चलने का वादा किया है। रियासत की अपोजिशन जमातों पर भी उन्होंने बरहमी जाहिर की और कहा कि अपोजिशन कायदीन तेलंगाना की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। చీఫ్ సెక్రటరీ గారి నుంచి ఫోర్త్ క్లాస్ ఎంప్లాయీస్లో ఉన్న అటెండర్లకి డ్రైవర్లకి అందరికీ కూడా నేను అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. సమాన హక్కుల కోసం ఉద్యమించాలని, దానికోసం బోధించు సమీకరించు పోరాడు అనేటువంటి సందేశాన్ని ఇచ్చినటువంటి మహనీయుడు విశ్వ మానవుడు సమతామూర్తి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేడ్కర్ గారు. వారి సందేశంతోనే వారు చూపిన బాటలో గాంధీజీ మార్గంలో శాంతియుత పోరాటం చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకోవడం జరిగింది. ఆ తదనంతరం ఆయన చూపిన బాటలోనే, ఆ సమతామూర్తి అంబేద్కర్ గారు చూపిన బాటలోనే మన ప్రయాణం కూడా కొనసాగుతూ ఉంది. వారికి గౌరవ సూచకంగా వారు రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచినటువంటి Article 3 ప్రకారంగానే తెలంగాణ రాజ్యాంగం వచ్చింది కాబట్టి వారు సూచించిన సమతా సిద్ధాంతమే మనకు ఆచరణ యోగ్యం కాబట్టి తెలంగాణ అన్ని వర్గాల ప్రజల ముఖంలో చిరునవ్వు రావాలనే బాబాసాహెబ్ గారి స్ఫూర్తిని అందుకున్నాం కాబట్టి ఇటీవలనే వారి యొక్క జయంతి సందర్భంగా ఆకాశమంత ఎత్తున్నటువంటి అంబేడ్కర్ గారి విగ్రహాన్ని తెలంగాణ కాదు భారత జాతి కీర్తినే విశ్వవ్యాప్తం చేసే విధంగా మనం ప్రతిష్ఠించుకోవడం జరిగింది. అంతేకాకుండా వారి ఆదర్శాలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని, సెక్రటరియట్కు అనునిత్యం వచ్చే ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు అధికారులందరికీ అనునిత్యం బాబాసాహెబ్ స్ఫురణకు రావాలని, వారి సందేశం మనసులో పెట్టుకుని పని చేయాలని, అంకితభావంతో పనిచేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రధాన కార్యాలయమైనటువంటి రాష్ట్ర సచివాలయానికి కూడా భారతదేశానికి ఒక సందేశం ఇచ్చే విధంగా మనం గర్వకారణంగా పెట్టుకున్నామని నేను సంతోషంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. బాబాసాహెబ్ అడుగు జాడలలోనే భవిష్యత్తు కూడా బాటలు వేసుకుంటామని నేను మీ అందరికీ కూడా హామీ ఇస్తా ఉన్నాను. ఈ సందర్భంగా స్వరాష్ట్రం కోసం జరిగిన పోరాటంలో అనేక మలుపులలో తమ ప్రాణాలను అర్పించినటువంటి అమరులందరికీ కూడా నేను అంజలి ఘటిస్తా ఉన్నాను. तेलंगाना बीजेपी सरबरा बंडी संजय कुमार के नई सेक्रेटरीट की इमारत के गुंबदों से मुतालिक किए गए इश्तियाल अंगेज तबसरे पर रियासती हुकूमत ने वजाहत पेश करते हुए कहा है कि गुंबदों की तामीर गुजरात के सारंगापुर के हनुमान मंदिर समेत दीगर मनादिर की तर्ज पर की गई है। गंगा जमनी तहजीब का मरकज अमन का गहवारा समझे जाने वाले तेलंगाना में बीजेपी की जानब से फिरकावाराना मुनाफरत को हवा देने की भरपूर कोशिश की जा रही है। आइंदा इंतखाबात को देखते हुए चंद वोटों के लिए बीजेपी की जानिब से नफरत फैलाई जा रही है। बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट की तामीर से नाखुश टी बीजेपी सदर ने नई इमारत के गुंबदों की तामीर को लेकर
अमन की फिजा को मगदर करने की कोशिश की। बंडी संजय ने सेक्रेटरीट की नई इमारत की तस्वीर को अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि ये सेक्रेटरीट है या मस्जिद। उनके इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर नेटिजंस की जानिब से मुख्तलिफ रद्देअमल सामने आए हैं। हुकूमत तेलंगाना में भी इस पर रद्देअमल जाहिर किया है। गुंबदों की तामीर पर वजाहत पेश करते हुए हुकाम ने बताया कि गुजरात के हनुमान मंदिर निजामाबाद में काकतिया दौर के नीलाकंठेश्वर स्वामी के मंदिर गोपुराम और वनापर्ति के राजा प्रसाद के बनाए गए डिजाइन के मुताबिक इन गुंबदों की तामीर की गई है। रियासती वजीर बराए सिनेमाटोग्राफी अफजाइश मवेशियां तलासानी श्रीनिवास यादव ने सेक्रेटरीट रवानगी से खबर सिकंदराबाद के महान काली मंदिर का दौरा किया। रियासत तेलंगाना की नई सेक्रेटरीट की इमारत का आज आगाज हुआ है। तमाम वुजरा को उनके चैम्बर्स अलॉट कर दिए गए हैं। नए सेक्रेटरीट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने से खबर रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद के महान काली मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा की और फिर सेक्रेटरीट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए रवाना हो गए। याद रहे कि तलासानी श्रीनिवास यादव समेत मुख्तलिफ महकमों के वुजरा ने आज अपने चैम्बर्स में दाखिल होकर फाइल्स पर दस्तखत किए। गैर मौसमी बारिश के नुकसान का जायजा लेने के लिए खम्मम जिले का दौरा कर रही YSRTP की बानी YS शर्मिला की अचानक तबीयत खराब हो गई। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में गैर मौसमी बारिश और उसके साथ होने वाली जालाबारी ने काफी तबाही मचाई है। खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। YSRTP रहनुमा YS शर्मिला बारिश से होने वाले नुकसान का जायजा लेने और किसानों से मुलाकात के लिए आज खम्मम का दौरा कर रही थी। जराए ने बताया कि कोनी जर्रा मंडल के तानिकेला गांव में किसानों से बात करते हुए अचानक वो गिर पड़ी। पार्टी के कायदीन और मुकामी लोगों ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए उन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद पहुंचाई। उनकी सेहत मुस्तहकम बताई गई है। कहा जा रहा है कि वो सनस्ट्रोक से मुतासिर हुई थी। 4 लाख कोटल अप्पुल कुप्पगा चेसाडु केसीआर गारु। इन्नी लक्षल कोटल अप्पुल तेच्चारे केसीआर गारु। मरि तेच्चिन डब्बु एं चेसिनट्टु केसीआर गारु। 4 లక్షల కోట్ల అప్పు తెస్తే 4 లక్షల కోట్ల పైగానే అప్పు తెస్తే ఏ ఒక్క పథకానికైనా డబ్బులున్నాయా? రుణమాఫీ చేయడానికి డబ్బుందా? డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టడానికి డబ్బుందా? ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ ఇవ్వడానికి డబ్బుందా? ఆరోగ్యశ్రీ చేయడానికి డబ్బుందా? కనీసం పెన్షన్లన్నా సక్క ఇవ్వడానికి డబ్బుందా? దేనికి డబ్బుంది? అసలు ఏమైపోయినట్టు ఈ డబ్బులన్నీ? అసలు ఇక్కడ చూస్తున్నారు, ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మేము 3800 కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేస్తే ఇలాంటి సన్నివేశాలు, ఇలాంటి విల్లులు, కోకొల్లలు ఉన్నాయి. ఈ గుడిసె తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ఉంది. కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ ఏర్పడినప్పుడు ఒక సర్వే చేశారు. 2014లో 30 లక్షల మంది పేద కుటుంబాలు ఉన్నారు, ఇల్లు లేని వాళ్ళు ఉన్నారు అన్నది తేలింది. మరి కేసీఆర్ గారు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లిస్తానన్నాడు, ఆత్మగౌరవం ఇల్లిస్తానన్నాడు, అల్లుడు వస్తే ఎడబండాలే అన్నాడు. అన్ని మంచి మంచి మాటలు చెప్పిన కేసీఆర్ గారు 30 లక్షల మందికి ఇల్లులు కట్టాల్సిన బాధ్యత ముఖ్యమంత్రిగా ఉందా లేదా? రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు 5 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే 5 సంవత్సరాలలో 40 లక్షల మందికి ఇల్లులు కడితే మరి కేసీఆర్ గారు 9 సంవత్సరాలలో ఎంత మందికి ఇల్లులు కట్టి ఉండాలి? 30 లక్షల మంది ఇల్లులు లేవు, 30 లక్షల మందికి ఇల్లులు లేవు అని మీ సర్వేనే చెప్తున్నప్పుడు మరి 30 లక్షల మందికి ఇల్లులు కట్టాల్సిన బాధ్యత కేసీఆర్ కు ఉందా లేదా? మరి ఈ ఇల్లులు చూస్తుంటే ఇదేమన్నా ఇల్లులు కట్టే ప్రభుత్వంలా అనిపిస్తుందా? मुल्क के मुमताज़ माहिर क़ानून व सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा ने दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान से मुनाक़िद इजलास को मुखातिब किया। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा, जो कि मुल्क के दस्तूर और औकाफ़ी इमलाक की हिफाजत के लिए जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं, इन दिनों शहर हैदराबाद का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने मदीना एजुकेशनल सेंटर वाक़ नामपल्ली में दस्तूर बचाओ के उन्वान से मुनाक़िद इजलास को मुखातिब किया। सदर यूनाइटेड फेडरेशन मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी, जनरल सेक्रेटरी अबरार हुसैन आज़ाद,
एडवोकेट माइनॉरिटी फोरम, समाजी कारकुनान एसए काउंसिल के अलावा मोहम्मद शकील अहमद, एडवोकेट मोहम्मद अफजलुद्दीन दकनी, मौलाना शफी मसूदी व दीकर ने इस इजलास में शिरकत की। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से एक मुशावरती इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। सीनियर सहाफी व सदर फेडरेशन एम ए माजिद की सदारत में मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में इजलास मुनक्किद हुआ। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की मुजव्वजा रियासती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को कामयाब बनाने पर इस इजलास में तबादला ख्याल किया गया है। सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, मुशीरान ने अपने कीमती मशवरे और तजावीज़ात पेश किए। बाद अज़ां इत्तेफाक राय से हैदराबाद जिला यूनिट के सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, खाजिन और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का तखरुर अमल में लाया गया। डॉक्टर आसिफ अली रूबी न्यूज सदर मुंतखब किए गए हैं। मोहम्मद शफी हाईटेक टीवी जनरल सेक्रेटरी और मोहम्मद लतीफ मैक्सिम न्यूज खाजिन मुकर्रर हुए हैं। नायब सदर की जिम्मेदारी शमसुद्दीन फेरोज फोर टीवी, अकबर शरीफ रूबी टीवी, यहिया कादरी मुनसिफ, मोहम्मद अजीज अहमद एतमाद, एम ए मोहियुद्दीन क्विक समाचार, शेख रफियुद्दीन आसिफ साइबर क्राइम न्यूज को तफवीज की गई है। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज के तौर पर फजल अहमद टीवी 19, एम ए नईम आईएनडी टुडे, मोहम्मद कलीम सदाए हुसैनी और सैयद अमजद शाह नूरी को मुंतखब किया गया है। मोहम्मद लईख सियासत, एम ए माजिद 4 TV बेसोन, मोहम्मद सरवर 10 TV ई जोन, शेख वसीम 4 TV नॉर्थ जोन, मोहम्मद अब्दुल अकरब डक्कन टुडे साउथ जोन, शेख शरीफ मुंसिफ टीवी सेंट्रल जोन जॉइंट सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। मोहम्मद काशिफ अली खान 4 TV न्यूज, अब्दुल हमीद बनान, शेख अहमद रूबी न्यूज, जाहिद फारूकी सियासत, सिकंदर खान 4 TV, बाखर अली सदाए हुसैनी, अरशद INN और मोहम्मद यूसुफ सियासत TV अराकीन आमिला के तौर पर मुंतखब किए गए हैं। इजलास की कार्रवाई ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद अमजद अली ने चलाई। मीर बशीरुद्दीन अली खान समसमुद्दौला के पड़पोते मीर खादर अली खान ने कोमपल्ली पेट बशीराबाद में वाक़ आबा व अजदाद की अराजियात की खरीदो फरोख्त किए जाने के मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया है। मीडिया से बात करते हुए मीर खादर अली खान ने बताया कि कोमपल्ली पेट बशीराबाद में वाक़ अराजियात के फर्जी दस्तावेजात बना के उन्हें फरोख्त किया जा रहा है। उन्होंने वाजह किया है कि यह अराजी सरकारी अराजी नहीं है बल्कि एक मख्ता लैंड है जिसे समसमुद्दौला ने खरीदा था और इसका अदालत में मामला ज़ेर दौरा है। उन्होंने अराजी की खरीदो फरोख्त व दीगर तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। इसलिए हमारे कोर्ट के आर्डर है हम लोगों के पास, हमारे को बाजाबता 2 कोर्ट के आर्डर मिले। हम लोग लीगल है आप समसमुद्दौला इसके पट्टा जो बोल रहे हैं ना पेपर अब लीगल जो डॉक्यूमेंट तो कंप्लीट हमारे पास मौजूद है जी। 252 एकड़ जमीन है और अभी कितनी बाकी अभी इसके अंदर बाकी है यहाँ पे 40 एकड़ या 38 एकड़ बाकी है बाकी पूरा बेच लेते थे क्योंकि हम बाहर से यहाँ नहीं थे। जिसका नाजायज फायदा उठा के लोगों ने मन में जैसा आया जिसके दिल में आया उन्होंने उस तरीके से बेच लिया इसको। अब आने के बाद हम लोग जब डॉक्यूमेंट शो करे तो वो लोग बोले ये डॉक्यूमेंट किसी के पास भी नहीं है आप लोग जेनुअन है। मगर हमसे बातचीत चल रही कई लोग पार्टी से आ रहे हैं जा रहे हैं भाई आप लोग जेनुअन है ये डॉक्यूमेंट किसी आपके समसमुद्दौला वालों के पास नहीं है। केस हमारा जेर दौरान है हाईकोर्ट में हम लोग अपील दारे हमारे हमारी प्रॉपर्टी का हमारे को हमारे फेवर में जजमेंट हम के लिए हम लोग केस डाले हुए हैं बाजाब्ता। मेरे दादा के नाम पे वो मिल चुका है क्या बोलते हैं लीगल हायर का जजमेंट मिल चुका है 2 जजमेंट है मेरे पास। अब शुरू करें हम लोग कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी की मुकम्मल सेहत याबी के लिए AIMIM के शालीबंडा डिवीजन कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर की जानिब से शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में फल तकसीम किए गए हैं। कायद मुखदना व फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी पर खातिलाना हमले के 12 साल मुकम्मल हो चुके हैं। शालीबंडा कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर की जानिब से मोहम्मद अक्रम की जेर निगरानी शहर के कई अस्पतालों जैसे मॉडर्न मेटर्निटी हॉस्पिटल पेटला ब्रुज उस्मानिया और नीलोफर अस्पताल के मरीजों में फल तकसीम किए गए और
हबीबे मिलत की मुकम्मल सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ करने की ख्वाहिश की गई। हिंदुस्तान में कोरोना के फैलाव में मुसलसल इजाफा जारी है। 24 घंटे में 5874 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस की गई है। मरकजी सेहत महकमे ने बताया कि एक दिन में 8148 अफराद सेहत याब हुए हैं। शरह सेहत याबी 98.7% रही है। एक दिन में 25 अमवात भी हुई हैं। अमवात की कुल तदाद 5,31,533 तक जा पहुंची है। शरह अमवात 1.18% रिकॉर्ड की गई है। यौमिया मुस्बित शरह 3.31% और हफ्तावार मुस्बित शरह 4.25% दर्ज की गई। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर कोरोना टीका अंदाजी मुहिम और कोरोना टेस्ट भी किए जा रहे हैं। एक दिन में 1,77,281 सैंपल्स की जांच की गई है और अब तक कुल 92,66,73,860 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना टीका अंदाजी मुहिम के तहत एक दिन में 310 अफराद ने वैक्सीन ली है। वैक्सीन लेने वालों की कुल तादाद 220,66,66,261 हो गई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।